दो दिन की स्थिरता के बाद आज फिर पेट्रोल डीजल बाजार में फिर आग लगी है। इस महीने के तीन दिनों को छोड़ दें तो पूरे महीने हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े ही हैं। तभी तो सिर्फ इसी महीने के 11 दिनों में पेट्रोल जहां 3.15 रुपये महंगा हो गया तो वहीं डीजल भी 3.65 रुपये चढ़ गया। आज दोनों ईंधनों में प्रति लीटर 35-35 पैसे की तगड़ी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के बाजार में गुरुवार को इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल प्रति लीटर 104.79 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.52 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। इस महीने की पहली तारीख को पेट्रोल जहां 25 पैसे महंगा हुआ था, वहीं डीजल भी 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। दरअसल पिछले महीने के अंतिम दिनों में जो पेट्रोल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई वे आज भी नहीं थमी हैं। हाँ, बीच में कुछ दिनों के लिए इसमें विराम जरूर मिला था। वैसे भी इस समय कच्चे तेल की कीमतें $83 के आसपास चल रही हैं, इसलिए सभी पेट्रोलियम पदार्थ महंगे हो रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में देखें तो इस महीने ये 3.15 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। कारोबारी लिहाज से देखें तो पेट्रोल के मुकाबले डीजल बनाना महंगा पड़ता है, लेकिन भारत में खुले बाजार में पेट्रोल महंगा बिकता है और डीजल सस्ता। हालांकि इस महीने के तीन दिन को छोड़ दें तो हर रोज डीजल महंगा ही हुआ है। इस दौरान पेट्रोल के मुकाबले डीजल ज्यादा महंगा हुआ है। 11 दिनों में ही यह महज 3.65 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं कच्चे तेल का सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका है। जाहिर है वहां के रुख से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें तय होती हैं। कल ही अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट API ने क्रूड इन्वेंट्री का आंकड़ा जारी किया था। इसके मुताबिक बीते 8 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान वहां 5.213 मिलियन बैरल की इन्वेंट्री थी। यह विश्लेषकों के अनुमान से भी अधिक है, इसलिए कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली नरमी देखी गई। अमेरिकी बाजार में कल ब्रेंट क्रूड मंगलवार के मुकाबले $0.47 कम होकर $83.18 प्रति बैरल तक आ गया। WTI क्रूड में मामूली $0.08 की नरमी रही। कारोबार बंद होते समय यह $80.44 प्रति बैरल पर सेटल हुआ था। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।